मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक में श्री शनिदेव महाराज के निमित्त श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य यजमान से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश, नवग्रह, पंचोपचार, षोडशोपचार, कलश पूजन उपरांत पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने मुख्य यजमान श्रीकंठ जज से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस सप्ताह श्री शनिदेव महाराज के जाप उपरांत मां बगलामुखी जी के निमित्त भी माला मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहुतियां डाली गई। हवन यज्ञ की पूर्णाहुति के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने आए हुए भक्तों से अपनी बात कहते हुए कहा कि एक होती है आवश्यकता और एक होती है इच्छा। संसार में जितने भी प्राणी या जीव जंतु हैं, प्रभु उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करते हैं, लेकिन इच्छा की पूर्ति ना आज तक किसी की हुई है और ना होने वाली है। व्यर्थ की इच्छाएं पालने से कोई लाभ नहीं। मनुष्य की इच्छाएं जितनी बढ़ती जाती हैं, उतना ही तनाव बढ़ता जाता है। उन्होंने इन सब बातों को भजन के रूप में गाकर भी सुनाया। इस मौके पर मां बगलामुखी के भक्त श्रीकंठ जज के जन्मदिवस के अवसर पर केक भी काटा गया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा गया। इस दौरान विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रिंस ग्रोवर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, गुलशन शर्मा, बलजिंदर सिंह, मुनीश शर्मा, मुकेश चौधरी, अरुण, गुरबाज सिंह, हितेश, रोहित बहल, विक्रांत शर्मा, मोहित बहल, अश्विनी शर्मा, राजेश महाजन, अमरेंद्र सिंह, संजीव शर्मा, यज्ञ दत्त, प्रदीप शर्मा, विनोद खन्ना, बिल्ला अंकल, मुनीश महेंद्रू, राजीव, प्रिंस, राकेश, प्रवीण, दीपक, अशोक शर्मा, जसविंदर सिंह, पप्पू, सुनील जग्गी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। अच्छा लगे ते ग्रहण करो, नहीं अच्छा लगे उते चिंतन ते मनन जरूर करो। कई बार हो सकता साडे विचार आपस दे विच बहुत ज्यादा मिलते हो, पर मां भगवती की कृपा रही अज तक कि जेड़ा भी विचार मन च आया या प्रगट किया वो बहुत कृपा रही है। अज का विचार सुख ते दुख आदमी नू सुख और दुख दे विच किदां रहना चाहिए। सुख दे विच कहते दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे का। जे आपां शुरुआत तो ही सतगुर दे नाल परमात्मा दे नाल जुड़े रहिए फिर दुख नाम का शब्द कोई नहीं है। माँ बगला मुखी जी, माँ बगला मुखी जी, ओ प्रेम से बोलो, ओ खुले दर्शन, ओ खुले दर्शन, ओ रूप सुहाना, ओ लगे दीवाना, मैं होया दीवाना। जय माता दी जी। आज माँ बगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी च जो कि लंबा पिंड चौक जलंधर च स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर च अज तो शनिवार शाम को हवन यज्ञ शुरू करता गया। कोविड 19 की जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन सी, शाम का जोड़ा लॉकडाउन सेगा, उस दे विच सानू रियायत मिली, इस दे नाल ही असी भी सवेर तो टाइम शाम को शिफ्ट करता। अज तो शनि महाराज जी के निमित्त जोड़ा श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ है वो हर शनिवार 7 बजे तो 8 बजे तक होएगा। अज 31 जुलाई सावन मास का जोड़ा जुलाई महीने का अज आखिरी दिन है और शनि महाराज जी का अज हवन यज्ञ सेगा इस मास का अंतिम। इस उपलक्ष्य के एक विशाल लंगर भंडारे का और माता जी की चौकी का आयोजन किया गया। बहुत सारी संगत दूरों दूरों आके नतमस्तक हुई है, शनि महाराज के जयकारे लगे है, महामई बगला मुखी जी के जयकारे लगे है और महाराज के नाम लेवा संगत ने हवन यज्ञ के अपने कर्मा द्वारा वचना द्वारा आहुतियाँ हविग्या जी है हवन यज्ञ डाली है। साड़ी शनि महाराज जी के चरणों और माँ पिताम्बरा जी के चरणों के बारंबार यही प्रणाम है कि माँ इस तरह ही अपने सारे भक्तों के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखो। मैं विशेष रूप से सारे वैब पोर्टल्स का जिन्हें भी मीडिया पार्टनर है, मीडिया चैनल है, उन्होंने धन्यवादी हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं। दैनिक जागरण, दैनिक सवेरा दा और भास्कर न्यूज़पेपर दा और अजीत समाचार दा, ये सारे समाचार पत्र लगातार धर्म दे जो भी असीं कार्य कर रहे हैं उन्हां च साडा सहयोग कर रहे हैं।
यह भी साढ़े नाल बांह दे नाल बांह जोड़ के धर्म की लगातार अनुशंसा कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवादी हैं हलचल चैनल के जिहड़े मैनेजिंग डायरैक्टर है श्री शीतलवीर जी का और उन्होंने समुची टीम का जिहड़ी हलचल चैनल और सवेरा दे विच भी अंदर बैठी टीम है निरंतर साडियां जिन्नियां भी कवरेज हुंदियां उन्होंने सुचजे रूप के नाल लगांदियां। मैं विशेष रूप से पूरी टीम को धन्यवाद दिना और महामई के चरणों अरदास बेनती करदा कि इस तरह ही सारे जिन्हें भी साढ़े चैनल पार्टनर है टीवी के अखबार के वैब पोर्टल के ये बढ़ चढ़ के धर्म को लगातार शलाघा करन और उन्होंने सहयोग ऐदा ही सानू मिलता रहेगा। ऐसी मैं माँ के चरणों के अरदास बेनती करदा और सारे समूह संगत को यह अरदास बेनती करदा हर वीरवार को सवेरे 6:30 बजे तो 7:30 बजे तक माँ बगला मुखी धाम हवन यज्ञ आहुतियाँ डालन आओ आप भी आओ अपने परिवार बच्चों के नाल आओ। इस तरह ही हर शनिवार को शाम 7 to 8 माँ बगला मुखी धाम जाओ और शनि महाराज जी के निमित्त भी हवन यज्ञ आहुतियाँ डालो। जय माता दी जय शनि।